हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मीज इनोवेशंस। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान का फेमस गुना जो गणगौर पर बनाया जाता है। गुना बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 कप मैदा और साथ ही इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी। घी मैंने यहाँ 1/2 कप लिया है और अब घी को मैदे में अच्छे से मसलकर मिलाएंगे। चेक करेंगे कि मैदा बाइंड हो रहा है या नहीं। ये देखिए, मैदा बाइंड हो रहा है। बाइंड होने का मतलब है मैदा और घी परफेक्ट क्वांटिटी में है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आटे को थोड़ा सख्त लगाना है जिसकी वजह से गुना शेप में बने रहेंगे। ये देखिए, डो तैयार हो चुका है। डो बनाने में करीबन 1/2 कप पानी लग गया है। अब हम डो को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आटा फूल गया है। अब इसे थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे आटे में सॉफ्टनेस आ जाएगी। आटे को हमने मसल लिया है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे जिससे पेड़े बनाने में आसानी रहेगी। पेड़े थोड़े मोटे ही बनाने हैं और इसी तरह से सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। सभी पेड़ों को हमने तैयार कर लिया है। एक पेड़ा लेकर हथेली पर रखेंगे और फिंगर से होल करेंगे। और इसे थंब और फिंगर की हेल्प से बढ़ाते हुए गोल गोल बनाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। अब हम इस पर थंब और फिंगर से डिजाइन बना लेते हैं। ये देखिए, चारों तरफ इसी तरह से बनाएंगे। सारे कोने हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारे कोने तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। आप घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ऑयल का ही यूज किया है। ऑयल गर्म हो चुका है। एक एक करके गुने डालेंगे और लो फ्लेम पर गुने फ्राई होने देंगे। गुनों को पलट लेते हैं। करीबन 8 से 10 मिनट के बाद हम इन्हें पलट रहे हैं। गुने फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बचे हुए गुने को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गुनों के एक बैच को फ्राई करने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। देखिए, सारे गुने फ्राई हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया है। जब तक गुने ठंडे होते हैं, हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप चीनी डालेंगे और साथ ही 1/2 कप पानी डालेंगे और गैस ऑन करके बीच बीच में स्पून से चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है। चाशनी को ज्यादा थिक नहीं करना है। चाशनी को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, बन रहा है ना एक तार। बस हमारी चाशनी रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, चाशनी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक करके सारे गुने चाशनी से कोट कर लेंगे। सभी गुनों में चाशनी लग चुकी है। 20 से 30 मिनट तक चाशनी को गुनों में अच्छे से सेट होने देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। चाशनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं।
और आप सभी को तोड़कर दिखाते हैं कि अंदर से ये कितने खस्ता और क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना लाजवाब रेसिपी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से सभी बना डालिए, गणगौर आने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।